नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैनरा बैंक में अपना अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों जाने के लिए ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आए। और दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के कुछ ही सेकंड बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच पाए। और दोस्तों अभी का अभी एक लाइक जो है दे दीजिएगा। एक लाइक देने से आपका कुछ भी नहीं लॉस होगा, बल्कि एक लाइक मिलने से मेरा मनोबल जो है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक देके रखा है, वो लिंक पे आप आ जाइए या फिर आप नए टैब में www.canarabank.com में आ सकते हैं। तो जैसे आते हैं दोस्तों ये साइट में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो सेविंग बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिखाई देने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। इंडिविजुअल ज्वाइंट अकाउंट, माइनर अकाउंट, जो भी आप खोलना चाहते हैं, तो मोस्टली हम इंडिविजुअल अकाउंट ही खोलते हैं, तो ये अवेलेबल है। मिनिमम बैलेंस जो है दोस्तों आपको एवरेज मंथली बैलेंस जो है 1000 आपको एवरेज जो है ये आपको मेंटेन करके रखना होता है। यदि आप मेट्रो सिटी या फिर अर्बन या फिर सेमी अर्बन सिटी में आप रहते हैं तो, और यदि आप रूरल ब्रांचेस में आपने अकाउंट खोला है, यानी कि यदि आप विलेज में रहते हैं और आप बड़ी सिटी में नहीं रहते, तो आपको 500 रुपीज़ जो है ये मेंटेन करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग अकाउंट, एप्लीकेशन इन बैंक्स प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज लगेगा आपका, डॉक्यूमेंटेशन जो है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है ये बैंक में। और दोस्तों यहाँ पे और बहुत कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, डिटेल्स जो है आप पढ़ सकते हो चाहो तो, और नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। और एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे इतना दिया गया है, पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, और आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा, ठीक है। एड्रेस प्रूफ या पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, या फिर वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, जॉब कार्ड दे सकते हो, लेटर इश्यूड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ये दे सकते हो, और उसके साथ आपको पैन कार्ड देना होगा। और इसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको फोटोग्राफ भी जो है देना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि एक्चुअली कैनरा बैंक में जो है आप ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो यूट्यूब में दूसरा वीडियोस देखिए, आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, आपको ऑफलाइन ही करना होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहां से फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जैसे आप यहां पे www.canarabank.com में आते हैं, आपको होम पे जाना होगा। होम पे आने के बाद पर्सनल बैंकिंग, सेविंग अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे NRI बैंकिंग पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हियर, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद डाउनलोड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हियर यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, पीडीएफ जो है मीडिया पीडीएफ खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका फॉर्म आ चुका है, ठीक है। मैं अलग से इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्लिक करके भी फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रकार से जो है आप कैनरा बैंक में अकाउंट जो है खोल सकते हैं। ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, और भी पूरा डिटेल्स चाहिए तो मैं नीचे आपको टोल फ्री नंबर भी दे दूंगा कैनरा बैंक का, आप चाहो तो उन लोगों से कॉन्टेक्ट करके जो है पूछ सकते हो। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए रोजाना लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।